हेलो बच्चों हॉप यू ऑल आर डूइंग गुड टुडे वी आर डूइंग द चैप्टर नेम प्लेसेस इन द नेबरहुड जो हमारे आसपास जो जगह होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे ओके विजिट अ लोकल मार्केट विद एनी ऑफ योर पेरेंट्स यू विल सी मैनी पुट अ टिक फॉर ईच ऑफ द शॉप्स यू विल सी देयर ओके okay, अपने पेरेंट्स के साथ मदर या फादर के साथ आप किसी मार्केट में जाइए वहाँ आप देखोगे बहुत सारी दुकानें हैं तो जो जो आपने शॉप देखी उसमें आप टिक करोगे जैसे अगर आप आपको टेलर की अगर बीच में शॉप मिली मार्केट में या स्टेशनरी शॉप मिली ग्रॉसरी शॉप मेडिसिन हेयर ड्रेसर डॉक्टर्स क्लिनिक क्लॉथ शॉप स्वीट शॉप कॉबलर शू शॉप रेस्टोरेंट टॉय शॉप तो जो भी शॉप आपको मार्केट में मिलेंगे आप उनको क्या करोगे टिक करोगे ओके तो ये आप पिक्चर में देखो ये एक रेलवे स्टेशन की पिक्चर है एक स्कूल की पिक्चर है और एक टिकटिंग की पिक्चर है और एक है आपको कहीं मार्केट प्लेस की पिक्चर दिखाई है ओके वी नो दैट हाउस इज़ क्लोज टू वन एंड अदर फोमन नेबरहुड हमें नेबरहुड का पता है नेबरहुड क्या होता है जो आस पास में घर होते हैं इकट्ठे वो आपस में एक नेबरहुड बनाते हैं यानी पड़ोस बनाते हैं या कॉलोनी हम कह सकते हैं वी ऑल्सो नो दैट वी शुड कीप आर नेबरहुड क्लीन हमें यह भी पता है कि हमें अपना नेबरहुड साफ़ रखना चाहिए वी शुड कीप आर नेबरहुड ग्रीन बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज एंड प्लांट्स और हमें अपना नेबरहुड ग्रीन रखना चाहिए हरा रखना चाहिए साफ रखना चाहिए बहुत सारे पेड़ पौधे उगा कर ओके नबरहुड सर्विसेज हम बात करते हैं नेबरहुड सर्विसेज की जो हमारे आस पास क्या क्या सर्विसेज होनी चाहिए पीपल लिविंग इन अ नेबरहुड नीड सम सर्विसेज इन देअर एवरी डे लाइफ जो लोग नेबरहुड में रहते हैं उन्हें कुछ सर्विसेज़ कुछ काम हमेशा चाहिए होते हैं डेली उनकी ज़रूरत पड़ती है अ गुड नेबरहुड इज़ द वन विच हैज़ सर्टेन फैसिलिटीज़ क्लोज़ बाय एक अच्छा नेबरहुड वो होता है जहाँ पर बहुत सारी सर्विसेज़ नियर बाय ही हों बहुत सारी फैसिलिटीज़ हों सुविधाएँ हों फैसेलिटीज़ आर सर्विसज़ विच आर यूज़फुल टूअर्स एंड मेक आर लाइफ कम्फर्टेबल फ़ैसेलिटीज़ क्या होती है सुविधाएँ होती हैं ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे लिए बहुत यूज़फुल होती हैं और हमारे लाइफ को ईजी बना देती हैं कंफर्टेबल आरामदायक बनाती हैं ओके अब क्या क्या होती हैं ये फैसिलिटीज़ क्या क्या नेबरहहुड सर्विसेज़ होती हैं फर्स्ट है, है पार्क मोस्ट नेबरहुड्स हैव अ पार्क ज़्यादातर नेबरहुड्स में क्या होता है एक पार्क होता है अ पार्क इज़ अ प्लेस हुए चिल्ड्रन गो टू प्ले पार्क क्या होता है एक ऐसी जगह होती है जहाँ बच्चे खेलने जाते हैं एडल्ट गो फॉर अ वॉक एंड स्पेंड पीसफुल टाइम देयर और बड़े लोग जो हैं वो वॉक करने के लिए जाते हैं और शांति से प्यार से पार्क में थोड़ा सा समय बिताते हैं नाउ सेकेंड है मार्केट Market on our daily basis, we need bread, milk. एग्स वेजिटेबल्स फ्रूट्स एटसेट्रा डेली हमें रोजाना इन चीज़ों की ज़रूरत होती है ब्रेड मिल्क एग वेजिटेबल फ्रूट्स की वी बाई दीज फ्राम अ मार्केट हम मार्केट से ये चीज़ें खरीदते हैं अ मार्केट हैज़ मैनी शॉप सच एज ग्रॉसरी शॉप अ मेडिसिन शॉप अ स्टेशनरी शॉप अ ग्रीन ग्रोस अ मिल्क बोथ एटसेट्रा और मार्केट यानी कि बाजार क्या होता है जिसमें बहुत सारी दुकानें होती हैं जैसे कि ग्रोसरी शॉप जिससे हम दाल आटा तेल वगैरह लेते हैं मेडिसिन शॉप जहाँ से हम दवाइयाँ लेते हैं स्टेशनरी शॉप जहाँ से हम कॉपी किताबें पेंसिल ऐसी चीज़ें लेते हैं ग्रीन ग्रोसर जहाँ से हम सब्जियाँ खरीदते हैं मिल्क बुज जहाँ से हम दूध दही पनीर लेते हैं ठीक है तो मार्केट में बहुत सारी शॉप्स होती हैं मोस्ट नेबरहुड्स अ मार्केट ज्यादातर नेबरहुड्स में मार्केट होते हैं बाजार होते हैं Here यू कैन buy थिंग्स ऑफ एवरीडे यूज यहाँ से हम जो भी हमारी डेली की चीजें हैं वो खरीद सकते हैं शॉपकीपर्स इन द मार्केट सेल थिंग्स वी नीड और जो शॉप्स पर जो हमें चीजें बेचता है जो हमें देता है जो हमें चाहिए होती है उनको कहते हैं शॉपकीपर्स यानी कि दुकानदार ओके नेक्स्ट है पोस्ट ऑफिस पोस्ट ऑफिस वी सेंड लेटर्स मनी ऑर्डर्स, रजिस्टर्ड पोस्ट एटसेट्रा थ्रू अ पोस्ट ऑफिस पोस्ट ऑफिस से हम मनी ऑर्डर सेंड करते हैं लेटर सेंड करते हैं किसी को हमें कुछ खत भेजना हो पैसे भेजने हैं या कोई रजिस्टर्ड पोस्ट करानी है तो हम पोस्ट ऑफिस जाते हैं देर इज़ अ पोस्ट ऑफिस इन मोस्ट नेबरह ज़्यादातर नेबरहुड्स में पोस्ट ऑफिस यानि कि डाकघर होता है वी कैन बाई स्टैम्प्स एनवलअप्स एंड पोस्ट कार्ड्स फ्राम हेयर और वहाँ से हम क्या ले सकते हैं स्टैंप टिकटे ले सकते हैं एनवलअप लिफाफे ले सकते हैं जिसमें लेटर डालते हैं और उस पर स्टैंप लगाते हैं पोस्ट कार्ड ले सकते हैं जिस पर हम लेटर लिखते हैं वी कैन ऑल्सो सेंड पार्सल्स एंड मनी ऑर्डर्स फ्रॉम अ पोस्ट ऑफिस और पोस्ट ऑफिस से हम पार्सल्स यानी गिफ्ट भी भेज सकते हैं कोई सामान हमें भेजना है किसी जगह तो वो भी हम भेज सकते हैं और मनी ऑर्डर भी भेज सकते हैं देर इज़ अ लेटर बॉक्स इन एवरी नेबरहुड और हर एक नेबरहुड में क्या होता है लेटर बॉक्स होता है ओके लेटर बॉक्स क्या होता है जिसमें आप लेटर भेजना होता है उस लेटर पे आप नाम लिखोगे कहाँ आपको भेजना है और लेटर बॉक्स में डाल देते हो फिर पोस्टमैन उन लेटर्स को उठाकर पोस्ट ऑफिस ले जाता है ओके हम क्या करते हैं लेटर्स डालते हैं अपने द पोस्टमैन कलेक्टर एंड टेक्स दैम टू दोस्ट ऑफिस फिर पोस्टमैन क्या करते हैं सारे हमारे लेटर्स को निकाल लेते हैं और पोस्ट ऑफिस ले जाता है इन द पोस्ट ऑफिस दे आर सोर्टेड आउट एंड सेंड टू डिफरेंट सिटीज एंड कंट्रीज और पोस्ट ऑफिस में क्या करते हैं पोस्ट ऑफिस में उनको सॉर्टेड कर देते हैं किस सिटी में कौन से पार्सल जाने हैं कौन से लेटर जाने हैं उनको अलग अलग कर देते हैं द पोस्टमैन कम्स फ्रॉम द नेबरहुड पोस्ट ऑफिस टू डिलीवर आर लेटर्स टू देयर डेस्टिनेशन और जो पोस्टमैन होता है वो नेबरहुड ऑफिस पोस्ट ऑफिस से आता है और जो भी डेस्टिनेशन यानी जो सेंडर का एड्रेस होता है उस तक वो लेटर या जो भी गिफ्ट है पार्सल है वो डिलीवर कर देता है ओके पोस्टल वर्कर्स हेल्प अस टू कीप इन टच विद आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स जो पोस्टल वर्कर होते हैं यानी जैसे पोस्ट ऑफिस है या फिर पोस्टमैन होता है वो हम अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ टच में रहने में हेल्प करता है क्योंकि हम लेटर लिख सकते हैं गिफ्ट भेज सकते हैं अपने फ्रेंड्स को रिलेटिव को ओके okay? तो ये एक पोस्ट ऑफिस की पिक्चर है और ये लेटर बॉक्स की है कौन से कलर के होते हैं बच्चों हमेशा रेड कलर के होते हैं ओके नेक्स्ट इज हॉस्पिटल हॉस्पिटल देर इज़ अ हॉस्पिटल इन मोस्ट नेबरहुड्स ज़्यादातर नेबरहुड्स में हॉस्पिटल भी होता है वी गो देअ व्हेन वी आर सिक और इंजर्ड जब हमें चोट लग जाती है या हम बीमार होते हैं तो हॉस्पिटल जाते हैं दे आर डॉक्टर्स एंड नर्सेज इन द हॉस्पिटल और हॉस्पिटल में कौन होते हैं डॉक्टर होते हैं और नर्सेज होते हैं डॉक्टर एग्जामिन करता है चेकअप करता है हमारा और हमें बताता है हमें कौन सी दवाइयों की जरूरत है नर्सिस दीपल हु है हॉस्पिटल और नर्सेज क्या करते हैं हॉस्पिटल में जो ज्यादा बीमार होते हैं उनको हॉस्पिटल में एडमिट कर लेते हैं उनके देखभाल के लिए नर्सेस होते हैं सम नेबरहुड हैव अ डिस्पेंसरी और कुछ नेबरहुड्स में डिस्पेंसरी भी होती है डिस्पेंसरी क्या होती है इज अल क्लिनिक वे पीपल आर ट्रीटेड एंड गिवन मेडिसिन डिस्पेंसरी एक छोटे क्लिनिक होते हैं जिसमें लोगों को इलाज किया जाता है और उनको दवाइयाँ दी जाती हैं द पीपल हु आर इंजर्ड और वेरी सिख और वेरी इल आर टेकन टू द हॉस्पिटल इन अ बिग वैन कॉल्ड एंबुलेंस जो लोग ज्यादा बीमार हो जाते हैं बहुत बीमार दिखते हैं तो उनको क्या करते हैं हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है जिस बिग वैन में जो व्हीकल यूज होता है हॉस्पिटल ले जाने के लिए उसको क्या कहते हैं एंबुलेंस यू मस्ट हैव सीन एन एंबुलेंस ट्रैवलिंग फास्ट विद इट्स साइरन soundly साउंडली लाउडली एंड इट्स लाइट्स फ्लैशिंग आपने बहुत बार रोड पर देखा होगा एम्बुलेंस बहुत तेज चल रही होती है और उसका सायरन बहुत तेज आवाज़ कर रहा होता है और उसकी लाइट भी फ्लैश होती रहती है ओके फ्लैश होती रहती है लाइट रेड कलर का उस पर सायरन लगा होता है नाउ नेक्स्ट इज स्कूल There इज अ स्कूल और मे बी in इन मोस्ट नेबरहुड्स ज्यादातर नेबरहुड्स में स्कूल होते हैं आसपास एक स्कूल एक भी हो सकता है बहुत सारे स्कूल भी हो सकते हैं Children ऑफ नेबरहुड गो टू तो स्टडी there. और बच्चे वहाँ नेबरहुड के जो बच्चे होते हैं वो पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं द who हु गो टू नेबरहुड do डू have spent टाइम इन बसेस जो बच्चे नेबरहुड के स्कूल्स में जाते हैं आसपास के स्कूल में जाते हैं उनको बस की जरूरत नहीं पड़ती तो उन्हें पैसा बस का पैसा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती सेंड चिल्ड्रन टू नेबरहुड स्कूल्स तो इसीलिए हमेशा अपने बच्चों को अपने आसपास के स्कूल में अपने नेबरहुड के स्कूल में ही भेजना चाहिए नेक्स्ट इज फायर स्टेशन फायर स्टेशन वेन देयर इज एनी फायर इन द नेबरहुड वी कोल अप द फायर स्टेशन जब भी हमारे नेबरहुड में आस पास में एक आग लग जाती है तो हम किस को बुलाते हैं हम फायर स्टेशन में कॉल करते हैं फायर फाइटर्स कम टू पुट आउट द फायर इन रेड कलर्ड फायर इंजन विद बेल्स रिंगिंग और जो फायर फाइटर हैं जो आपको बुझाने वाले लोग होते हैं उनको फायर फाइटर बोलते हैं फायर फाइटर आते हैं एक रेड कलर के फायर इंजन में जो बहुत तेज सायरन होता है उसका आवाज़ के साथ वो गाड़ी आती है दे यूज वाटर हाउस हाउसेज टू पुट आउट द फायर और बड़े बड़े उनके पास वॉटर होस होते हैं बड़े बड़े पानी के पाइप होते हैं जो आग बुझाने में हेल्प करते हैं पिक्चर में आप देखो एक फायर स्टेशन है जिसमें कितने सारे फायर ब्रिगेड खड़ी हुई हैं ठीक है ठीके? तो रेड कलर के होते हैं ये भी ओके नेक्स्ट इज टेलीफोन बूथ मोस्ट नेबरहुड्स हैव वन और मोर टेलीफोन बूथ्स हर नेबरहुड में क्या होता है एक या एक से ज़्यादा टेलीफोन बूथ्स होते हैं यू कैन मेक टेलीफोन कॉल्स फ्रॉम हेयर टू अ फ्रेंड और रिलेटिव इन योर सिटी इन अनदर सिटी और इन अनदर कंट्री यहाँ से टेलीफोन बूथ से हम किसी भी फ्रेंड को किसी भी रिलेटिव को किसी भी सिटी या दूसरी सिटी में या फिर दूसरे देश में कॉल कर सकते हैं यू कैन ऑल्सो फाइंड एन इंटरनेट कैफे और अ साइबर कैफे इन सम नेबरहुड्स वेयर यू कैन ब्राउज द इंटरनेट और कई जगह नेबरहुड में आपको साइबर कैफ़े भी मिलता है जिसको इंटरनेट कैफ़े भी कहते हैं आपको इंटरनेट पर कुछ भी सर्च करना है तो आप साइबर कैफे जा सकते हैं ओके वी डायल हंड्रेड टू कॉल द पुलिस अगर हमें पुलिस की ज़रूरत होती है तो हम वन डबल ज़ीरो हंड्रेड डायल करते हैं वे डायल वन ज़ीरो वन टू कॉल द फायर ब्रिगेड अगर कहीं आग लग जाती है हमें फायर ब्रिगेड बुलानी है तो हम क्या डायल करेंगे वन ज़ीरो वन तो बच्चों आपको भी ये दोनों नंबर याद होने चाहिए ओके ना नेक्स्ट इज़ पुलिस स्टेशन पुलिस स्टेशन दे आर मैनी पुलिस मैन एंड पुलिस वीमेन इन अ पुलिस स्टेशन एक पुलिस स्टेशन में बहुत सारे पुलिस मैन और पुलिस वेमेन होते हैं दे गार्ड द नेबरहुड एंड कीप अर सेफ वो हमारे नेबरहुड को सुरक्षा देते हैं और हमें सुरक्षित रखते हैं दे ऑल्सो सर्च फॉर लोस्ट पीपल और थिंग्स वी मस्ट हेल्प द पुलिस और कोई अगर आदमी गुम हो जाता है कोई लोग गुम हो जाता है या कोई चीज़ें गुम हो जाती हैं तो उसको ढूंढने में भी हेल्प करते हैं उसको भी ढूंढते हैं वो हमें हमेशा पुलिस की हेल्प करनी चाहिए वी मस्ट कीप आर नेबरहुड क्लीन हमें अपना नेबरहुड क्लीन रखना चाहिए साफ रखना चाहिए दे आर मैनी पीपल हु हैल्प अस टू कीप द नेबरहुड क्लीन बहुत सारे लोग हैं जो हमारी नेबरहुड क्लीन करने में हेल्प कर सकते हैं जैसे कि सम ऑफ द एम आर स्वीपर गार्बेज कलेक्टर गार्डनर एट्सेट्रा जैसे कि स्वीपर है सफाई करने वाला है गार्बेज कलेक्टर कूड़ा उठाने वाला है या गार्डनर माली है जो सूखी पत्तियों को उठाता है देर इज ए गार्ड इन आर नेबरहुड हु गार्ड्स आर नेबरहुड और एक क्या होता है हमारे नेबरहुड में कॉलोनी में एक गार्ड भी होता है जो हमारे पूरे नेबरहुड को सुरक्षित रखता है प्रोटेक्शन करता है ओके okay? तो लेटेस्ट रिवाइज दैप्टर अ गुड नेबरहुड इज द वन विच है टन फैसिलिटीज क्लोज बाय एक गुड नेबरहुड वो होता है जिसमें बहुत सारी फैसिलिटीज जैसे की फायर इंजन है हॉस्पिटल है स्कूल है ये आस पास हो most neighborhoods have a market a post office a hospital or clinic and a school बहुत सारे नेबरहुड्स में आसपास ही होते हैं मार्केट पोस्ट ऑफिस हॉस्पिटल क्लिनिक और स्कूल आसपास होते हैं सम नेबरहुड हैव अ फायर स्टेशन एंड अ पुलिस स्टेशन टू कुछ नेबरहुड में आसपास पुलिस स्टेशन भी होता है और फायर स्टेशन भी होता है वी शुड हेल्प एंड कॉपरेट विद द पीपल हु प्रोवाइड हेल्प टू आर नेबरहुड हमें हमेशा ऐसे लोगों की हेल्प करनी चाहिए जो हमें सुरक्षित रखते हैं जो हमारे नेबरहुड को फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं ऐसे लोगों की हमें हेल्प करना चाहिए उनके साथ कॉपरेट करना चाहिए ओके तो बच्चों आपको ये चैप्टर समझ आया होगा एक बार फिर से रीड करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद से करेंगे